हाथरस के समामई रोहल स्थित अस्थायी गौशाला पर गौ परीक्षण करने पहुंचे पशु चिकित्सा अधीक्षक के साथ दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। चिकित्सा अधीक्षक ने घायल अवस्था में थाने पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सासनी कोतवाली क्षेत्र के समामई रूहल स्थित अस्थायी गौशाला का है, जहां पर मुरसान में तैनात मुरसान के पशु चिकित्सा अधीक्षक कैलाश अस्थायी गौशाला पर गौ परीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी सामने बनी एक फैक्ट्री में से 3-4 लोग निकलकर गौशाला के अंदर जबरन घुस गए और पशु चिकित्सा अधीक्षक के साथ गाली गलौज करने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो दबंगों ने पशु चिकित्सा अधीक्षक के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया। घायल अवस्था में पशु चिकित्सा अधिकारी ने थाना सासनी पहुंचकर मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।